नमस्कार दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे कि ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के 11वें अवतार थे और मुनि दुर्वासा के क्रोध के बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन शायद ही आप यह जानते हो कि मुनि दुर्वासा ने भगवान शिव को भी श्राप दिया था। कथानुसार जब माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया तो उन्होंने फिर माता पार्वती के रूप में हिमाचल पुत्री बनकर जन्म लिया और भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या भी की। तब पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव विवाह के लिए राजी हुए। उस समय चारों तरफ खुशहाली छा गई। सभी देवता और शिवगण अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान शिव के विवाह की तैयारी जोरों से करने लगे। जब कैलाश पर्वत पर सभी देवता और शिवगण शिव जी के विवाह का उत्सव मना रहे थे, तभी वहां दुर्वासा मुनि अपनी माता अनुसुईया के साथ आते हैं, जिन्हें देखकर नारद मुनि दुर्वासा से कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, क्या आप अपनी माता को छोड़कर वापस चले जाएंगे? तब मुनि दुर्वासा कहते हैं कि क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं भी शिव जी के विवाह में शामिल होने के लिए आया हूँ। यह सुनकर नारद मुनि सब पकाए और विचार करते हुए बोले कि मुनि श्रेष्ठ, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्रोध जल्दी आता है जिससे आप श्राप भी दे देते हैं। कहीं इस विवाह के दौरान आपको क्रोध आ गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तब मुनि दुर्वासा बोले कि ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि ना मैं क्रोध करूंगा और ना ही किसी को श्राप दूंगा। तभी वहां नंदी जी आए और उनकी माता को अलग कक्ष में ले जाकर ठहराया और मुनि दुर्वासा को लेकर वहां गए जहां शिव जी थे। वहां सभी देवतागण और सभी शिवगण हंसी नाच गाना मौज मस्ती कर रहे थे। मुनि दुर्वासा को देखकर सभी शिवगणों ने मुनि दुर्वासा से भी नाच गाने में सम्मिलित होने की बात कही और हंसी मजाक करने लगे। यह देख मुनि दुर्वासा को लगा कि सभी शिवगण मेरा अपमान कर रहे हैं। अतः क्रोधित दुर्वासा जी ने माता के दिए हुए वचनों को भूलकर सभी शिवगणों को श्राप दे दिया कि तुम्हारे इस भयंकर रूप को देखकर सभी कन्या पक्ष वाले मूर्छित हो जाएंगे जब तुम उनके द्वार पर जाओगे, और भगवान शिव को श्राप दिया कि इस रूप में तुम्हारा विवाह पार्वती के साथ नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने श्राप दिया, नारद मुनि बोल पड़े कि हे मुनि, आपने कैसा अनर्थ कर दिया। बड़ी मुश्किल से तो शिव जी इस विवाह के लिए तैयार हुए थे और आपने श्राप देकर घोर अनर्थ कर दिया। अरे हंसी मजाक तो शिवगणों ने किया था, फिर शिव जी को श्राप देना कितना उचित है? दुर्वासा के श्राप से वहां उपस्थित सभी देवता और शिवगण चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। बड़ी मुश्किल से तो शिव जी को समाधि से जगाया गया था। अगर शिव जी ने दोबारा समाधि लगा ली तो पता नहीं कितने युगों बाद अपना ध्यान तोड़ेंगे। नारद जी की बात सुनकर दुर्वासा भी दुखी मन से सोचने लगे कि अरे यह मैंने कैसा अनर्थ कर दिया। मैंने तो माँ को वचन भी दिया था कि मैं न क्रोध करूंगा ना ही किसी को श्राप दूंगा। अब चारों तरफ सन्नाटा फैल गया, अब क्या होगा। तभी वहां भगवान विष्णु जी आए और बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आप तनिक भी शोक ना करें, यह सब विधि के विधान के अनुरूप हुआ है। महादेव और पार्वती जी का विवाह तो तय है, अतः जो कुछ हुआ उसे भूलकर आप विवाह में चलने की तैयारी करें। जब श्री हरि विष्णु ने यह बात कही तब जाकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आई और पुनः सभी शिव जी के विवाह की तैयारी में जुट गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो और जानकारी लेकर आते रहते हैं। इसी के साथ मैं राहुल, नमस्कार।